राम हिमाचली फैमिली, सबको मेरी ओर से राम राम। मैं हूँ आपका राम हिमाचली। मैं जा रहा हूँ आज लुधियाना। सुबह के 7:30 हुए हैं, मैं नालागढ़ से निकल रहा हूँ और इस सफ़र में हम चलते हैं साथ में। साथ में जाएंगे और साथ में आएंगे। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं और चलते हैं। मैंने नालागढ़ से रोपड़ के लिए बस ले ली है और ये देखिए रास्ते का सुंदर नज़ारा। मैं पहुंच गया हूँ रोपड़ फाटक पे। ये रोपड़ का फाटक है, यहाँ से रेल जाती है। इस स्टेशन का नाम रूपनगर के नाम से है और ये लुधियाना बस आगे जा रही है, इसी में मैं जाऊँगा। ये आगे छोटा सा बस स्टैंड है, वहाँ पर खड़ी होती है। तो चलिए चलते हैं। इस बस में एसी है और किराए के अलावा 20-30 रुपए ही एक्स्ट्रा लगे। ये दोस्तों पंजाब का नींबू, कितना बड़ा बड़ा नींबू है, नींबू का साइज देखो। मैं पहुंच चुका हूँ लुधियाना में समराड़ा चौक, और ये समराड़ा चौक है। ये सामने श्रृंगार रोड है और ये जो सीधा रोड जाता है ये होशियारपुर को मोगा साइड को जाता है, और ये रोड गया चंडीगढ़ के लिए जो कि वापिस गया पीछे को। और ये ऊपर से दिल्ली रोड है, यहाँ से दिल्ली गेट ये भी रोड जाता है। ये देखिए मैं जो हूँ इस वक्त 4 लेन के नीचे हूँ, ये ऊपर से 4 लेन गया और मुझे यहाँ पर काम है, फिर मैं जाऊँगा गांधीनगर। तो चलिए चलते हैं। और आज जो है यहाँ पर गर्मी बहुत है, लगभग 45 डिग्री के तापमान होगा इस वक्त सुबह सुबह 11 बजे। दिन में पता नहीं कितना डिग्री जाएगा, आपको बताते रहेंगे। गर्मी बहुत है सुबह सुबह ही। ये जो है समराड़ा चौक के ऊपर का फ्लाईओवर है पूरा। इस फ्लाईओवर से इस तरफ को दिल्ली रोड गया और ये गया होशियारपुर रोड। फ्रेंड्स, गर्मी में आदत पर निर्भर होता है। ये देखिए जिनके लिए गर्मी है उनके लिए है, लेकिन गर्मी तो खैर सबके लिए है, पर यहाँ पर देखिए रेहड़ी वाले पूरा दिन गर्मी में माल ढोते हैं। ये सिर्फ हैबिट पर डिपेंड होता है, एक बार हैबिट बननी चाहिए आपकी। यहाँ पर मैंने अपना सामान पैक करवा दिया है जो मैं बेचने के लिए ले जाता हूँ, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ गांधीनगर। गांधीनगर से भी कुछ सामान खरीदना है तो यहाँ मुझे ऑटो देखना पड़ेगा। हर बार मैं रैपिडो राइड बुक करता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि सस्ते में ऑटो वाले भी ले जाते हैं, तो ऑटो मुझे उधर से मिल जाएगा। तो देखते हैं, ऑटो लेते हैं गांधीनगर के लिए, घंटा घर तक मिल जाए। एक घंटा घर जगह है लुधियाना में, वहाँ तक भी मिल जाए तो ठीक है। फ्रेंड्स, मैं बैठ गया हूँ अब ऑटो में, और ये है लुधियाना की मार्केट। ये घंटा घर की तरफ रोड है समराड़ा चौक से, और यहाँ पर गर्मी इतनी है कि ऑटो का लोहा भी पूरी तरह से गर्म हो गया है, आप इसको ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं सकते। गलियों में भी किस तरह से जो है गाड़ियाँ खड़ी होती है और ठेले खड़े होते हैं। जो मेन रोड है वो अलग होता है 4 लेन, और अंदर से कुछ इस तरह की गलियों से होते हुए हम जा रहे हैं। चुका हूँ लोकल अड्डा में। ये समराड़ा चौक से पहले आपको लोकल अड्डा में आना होता है, अगर डायरेक्ट आपको गांधीनगर और जो अपना घंटाघर है वहाँ के लिए अगर आपको ऑटो ना मिले तो यहाँ लोकल अड्डा से आप जा सकते हैं चांद सिनेमा, या गांधीनगर बोल के या घंटाघर बोल के। घंटाघर से थोड़ा आगे गांधीनगर, और ये फ्लाईओवर के नीचे से है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल चीपेस्ट सेल लगी हुई है, बिल्कुल ही सस्ते कपड़ों की सेल यहाँ पर लगी हुई है, और इस तरफ भी। और ऊपर से हाईवे है और इसके नीचे जो है सेल लगती है यहाँ पर। यहाँ लोकल अड्डा से अगर आप गांधीनगर जाते हैं तो यहाँ से ऑटो में 20 रुपये लगते हैं, और यहाँ पर ऑटो की भरमार है। ये देखिए दुनिया भर के ऑटो है, और यहाँ पर मार्केट भी है, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं बिल्कुल सस्ते में। होलसेल की मार्केट है वो गांधीनगर में है।
बाकी रिटेल की मार्केट यहाँ पर है। और ये है लुधियाना का रेलवे स्टेशन, लोकल अड्डा के साथ ये रेलवे स्टेशन है। ऑल इंडिया आपने कहीं भी जाना हो यहाँ से कनेक्टेड है। जैसे अम्बाला कैंट जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, अमृतसर, जलंधर, पठानकोट, यहाँ से आप रेलवे रेल के माध्यम से जा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं रिक्शा, ये फुली इलेक्ट्रिक रिक्शा है, मतलब कि ये तेल से नहीं चलता है, इसमें फुली बैटरी है, चार्ज बैटरी, उसी से ये चलता है। यहाँ पर फ्रेंड्स लॉटरी भी आप खरीद सकते हैं, अगर आपकी लॉटरी लग गई तो लाखों का इनाम आपको मिलेगा। और वहाँ पर देखिए सेल लग गई है, फिक्स प्राइस 100-100 रुपये, 100-100 रुपये में आपको टावल मिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों मुर्गे को ले जा रहे हैं रेडी में, मुर्गा कौन कौन खाता है कमेंट में लिखे, मैं तो खाता नहीं हूँ। छोटू किस क्लास में पढ़ता है? बैट तो तूने अपनी हाइट से बड़ा रखा है, बैट्समैन बनेगा? बैट तो तूने अपनी हाइट से बड़ा ले लिया यार, क्या नाम है तेरा? अभी अभी कौर, वेरी गुड, बढ़िया से खेलना है, बढ़िया से खेलना। कितने का पड़ा? 3000 वसूल होने चाहिए, 3000 वसूल होने चाहिए पूरे, पैसा वसूल। चलो शौक होता है, हमें भी बहुत शौक होता था, शौक होता है बच्चों का, हमें बहुत होता था। फ्रेंड्स इस चौक के अंदर है गांधीनगर क्लॉथ मार्केट, और यहाँ पर सामने लिखा हुआ है ग्लोबल स्टार हौजरी कॉम्प्लेक्स, हौजरी कपड़ों की फैक्ट्री होती है। और यहाँ पर देखिए कपड़ा दिख भी रहा है दूर से, अंदर बोर्ड भी लगा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर देखिए अंकल जी बैठते हैं यहाँ पर कपड़े बेचने के लिए, और चलते हैं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधीनगर होलसेल मार्केट, पूरा बोर्ड लगा हुआ है गांधीनगर का, इसके अंदर आपको कपड़े की सारी दुकानें मिल जाएगी। इस गली में लेडीज सूट ज़्यादा मिलते हैं, ये देखिए अलग अलग प्रकार के, और जेंट्स भी मिलते हैं। गांधीनगर का फतेहगढ़ मोहल्ला गली नंबर 3, यहाँ पर आपको सारी जितनी भी सस्ता महंगा सारा सामान मिलेगा, टी शर्ट, लोअर, कच्चे बनैन, सूट मिलेंगे, ऐसी ऐसी आइटमें, जुराबें, जितने भी कपड़ा पहनने का होता है वो सारा सामान आपको सस्ते में यहाँ पर मिलेगा। फ्रेंड्स वो कहते हैं ना कि जो लेजेंड होते हैं वो कभी नहीं मरते, यहाँ पर देखिए सिद्धू मूसेवाला की टी शर्टें, अगर आपने लेनी है तो कमेंट में बताएं, ले आऊँगा अगले चक्कर में। फ्रेंड्स ये भाई साहब हैं नितिन जी, हम साथ में ही आए, एसी वाली बस थी, बढ़िया प्राइवेट बस थी, एसी लगा था, आती बार बड़ा मज़ा आया, जैसे उतरे मज़ा खराब, गर्मी का मज़ा ले रहे हैं हम, गर्मी हो रहे हैं। और ये है फतेहगढ़ मोहल्ला गली नंबर 3, यहाँ पर हम खड़े हैं, इनका सामान आ रहा है, रिक्शे वाला ला रहा है, फिर हम जाएंगे समराड़ा चौक और वहाँ से हम गाड़ी लेंगे और नालागढ़ की तरफ रवाना होंगे। पहले जाना पड़ेगा हमें वहाँ से गाड़ी लेके गनोली या भरतगढ़, और वहाँ से फिर गाड़ी चेंज करना पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है, या तो हम रोपड़ तक जाएंगे, है ना, तो रोपड़ से ले लेंगे हम नालागढ़ के लिए बस, अभी टाइम काफ़ी है, 2 बजे हैं। फ्रेंड्स रिक्शा हमने कर लिया है, भाई साहब गए हैं सामान लाने, अभी सामान लेके आएंगे, फिर इसी रिक्शे में डालेंगे, और आगे से हमने बस लेनी है समराला चौक से, वहाँ के लिए हम जाएंगे। दोस्तों गर्मी के भी बहुत फायदे होते हैं, यहाँ पर देखिए गर्मी के कारण पंजाब में भुट्टा तैयार हो गया है, जहाँ हमारे यहाँ अभी जून चला है, अगस्त सेप्टेम्बर में भुट्टा तैयार होगा पहाड़ों में, वहाँ पर अभी से भुट्टा तैयार हो गया है, तो हम भुट्टा खा लेते हैं, भाई साहब भी आ गए सामान लेके। फ्रेंड्स भुट्टे खाने का मजा ही कुछ और है, ऑफ सीजन में कोई चीज मिल जाए मजा ही आ जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर ठंडे पानी की चपेट लगी थी, यहाँ पर जीरा है, जल जीरा, मैं सवारी बनी बैठा था,
स्वाद है बहुत, बहुत ठंडा। यहाँ के लोग बहुत भलाई का काम करते हैं, ऐसी चीज चिल्लाती गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पिलाते हैं। यहाँ पर समराला चौक के साथ श्रृंगार रोड है, यहाँ पर एक परांठे की दुकान है, यहाँ पर हम परांठा खा रहे हैं। ठीक है, परांठा खा लेते हैं अंकल जी का, बढ़िया जबरदस्त परांठा। फ्रेंड्स, हमें समराला चौक में और यहाँ पर बस का इंतजार करते हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया और तापमान बहुत हाई है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना पड़ गया। अब हमारी बस आ चुकी है नंगल डैम वाली, इसमें हम जाएंगे। रास्ते में आती बार पंजाब के खेतों का नज़ारा दिखा, ये देखिए भुट्टे लगे हुए हैं खेतों में, ये गर्मी का फ़ायदा है, गर्मी के बहुत फ़ायदे हैं। देखिए ये है कुरवाली स्टेशन, यहाँ पर मिठाइयाँ बहुत अच्छी मिलती है और यहीं से रोपड़ को रोड जाता है, कुरवाली चौक से, और चंडीगढ़ को रोड जाता है और लुधियाना को। यहाँ पर ये जो चौक है, इस चौक से ये तीनों रोड मिलते हैं। शाम के 5:30 हुए हैं और लुधियाना से हम पहुंच गए हैं रोपड़ में। भाई साहब अंदर है गाड़ी में और ये बस जा रही है नालागढ़ को, थोड़ी देर में ये चल पड़ेगी नालागढ़ को। वैसे तो मैं कई बार भरतगढ़ उतर जाता था, वहाँ से उन्ना वाली बस लेता था, लेकिन ये नालागढ़ को जा रही है तो मैंने रोपड़ के लिए टिकट कटाया था। अगर लेट हो जाए लुधियाना से तब फिर भरतगढ़ के लिए टिकट कटाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर बसें कम हो जाती है नालागढ़ के लिए। तो चलिए अब इस बस में जाएंगे हम थोड़ी देर में नालागढ़ के लिए, क्योंकि आज मैं जल्दी आ गया हूँ। हर बार मैं उधर से 4 बजे चलता था, आज 3 बजे चल पड़ा था, तो आज यहाँ से भी बस मिल चुकी है। ये बाया घनौली जाएगी नालागढ़ के लिए। मैं आ गया था रूम में और जोरों की भूख लगी थी और मैंने बनाई भिंडी और रोटी, और भिंडी और रोटी खाई, अभी खाकर फ्री हुआ हूँ। 9:30 हो चुके हैं, मैं पहुँच गया था नालागढ़ में तकरीबन 7:30 बजे के करीब, और उसके बाद रोटी बनाई, रोटी खाई, और अब मैंने कूलर लगा दिया है। बहुत गर्मी थी भाई आज, दिन में तो ऐसे सेक लग रहा था सिर पर जैसे कि आग जलाई हो, सामने आग जल रही हो, उसकी हीट आ रही हो, तो बहुत हॉट डे था। फिर भी मतलब आती बार गर्म हवाएं चल रही थी, जाती बार जो बस मिली थी उसमें तो एसी लगा हुआ था, बहुत मस्त 20-30 रुपए किराया एक्स्ट्रा लगा बस, और एसी की हवा खाने को मिली बढ़िया से। प्राइवेट बस थी, उन्होंने एसी लगा दिया। तो चलो, दिन बहुत अच्छा गुजरा आज, पूरा संडे बहुत बढ़िया से गया, लुधियाना घूम के भी आए और सामान भी लेके आए। मिलेंगे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।